हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू करते हैं दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो फर्स्ट वन है फाइंड द स्क्वायर हमें स्क्वायर फाइंड करना है किसका थर्टी टू का स्क्वायर फाइंड करना है तो स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए इज़ कॉल्ड स्क्वायर ए इंटू ए इज कॉल्ड स्क्वायर तो ए क्या है आपका ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए ये स्क्वायर होता है तो ए इंटू ए मीन्स थर्टी टू इंटू थर्टी टू इसका स्क्वायर निकालना है तो थर्टी टू इंटू थर्टी टू कितना हो जाएगा टू का मल्टीपल करेंगे टू का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर टू का थ्री में करेंगे टू थ्री या सिक्स इंटू थ्री टू या सिक्स और थ्री थ्री जा नाइन तो फोर सिक्स सिक्स ट्वेल्व और नाइन ओवन टेन तो कितना हो जाएगा वन जीरो टू फोर आएगा ठीक तो स्क्वायर ऑफ थर्टी टू स्क्वायर ऑफ थर्टी टू इज वन जीरो टू फोर सिमिलरली हम सारे उसके स्क्वायर निकाल लेंगे ठीक कुछ नहीं करना है हमें दो बार मल्टीपल करना है वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर्स ना क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें क्या लिखना है राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट दैट हमें यह जानना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस जिन्होंने एक अपना प्रिंसिपल दिया उसको उस प्रिंसिपल को इन्होंने पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाया वो प्रिंसिपल क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट अब पाइथागोरस ट्रिपलेट में मीन्स हाइपोटेनस क्या होता है हाइपोटेनस होता है हाइपोटेनस क्या होता है लॉन्गर साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी के आपके ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे पा बेस का स्क्वायर हो जाएगा या इसमें आपका पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है वो क्या हो जाएगा इसमें एक एम प्लस वन का स्क्वायर और एक होता है टू एम का स्क्वायर और एक होता है एम माइनस वन का स्क्वायर ये हमें लेना है टू एम एम प्लस वन टू एम और एम माइनस वन इसमें ये लार्जर साइड है ये स्मॉलर साइड है ये स्मॉलर साइड है और ये उससे बीच की साइड है यानी बिगर साइड है बिगर है यानी इससे ये लार्जेस्ट कर लो लार्जर की जगह लार्जेस्ट कर लो लार्जेस्ट साइड है स्मॉलर साइड है और ये बिगेस्ट है तो इसमें हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका दिया है वन नंबर इज सिक्स वन नंबर कितना दिया है सिक्स दिया है तो इसको हम मान के चलेंगे सपोज दैट टू एम इक्वल टू सिक्स इसको हमने लार्जेस्ट मार लिया टू एम इक्वल टू सिक्स तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री एम इक्वल टू थ्री हो जाएगा अब हम लेके चलेंगे क्या लेके चलेंगे एम इक्वल टू थ्री हो गया तो क्या हो जाएगा टू एम का स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस वन का स्क्वायर और प्लस एम माइनस वन का स्क्वायर होना चाहिए ये आइडेंटिटी फोलो होना चाहिए टू एम कितना दिया है सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस वन मीन्स थ्री प्लस वन का स्क्वायर प्लस एम माइनस वन थ्री माइनस वन का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स इक्वल टू थ्री और वन फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और प्लस टू का स्क्वायर थ्री वन टू टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर तो थर्टी सिक्स इज नॉट इक्वल टू ट्वेंटी ये आपका नहीं है फोलो तो अब हमें क्या करना है और आगे करना है अब हम फाइंड करेंगे एम स्क्वायर माइनस वन तो एम स्क्वायर माइनस वन क्या होगा एम क्या लिया है हमने यहाँ थ्री तो थ्री का स्क्वायर माइनस वन थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन माइनस वन इक्वल टू एट अब और फाइंड करना है एम स्क्वायर और प्लस वन एम पीछे हम निकाल चुके हैं तीन का स्क्वायर और प्लस वन क्या हो जाएगा नाइन प्लस वन इक्वल टू टेन हैंस पाइथागोरस ट्रिपलेट एज सिक्स एट एंड टेन ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए अब हम सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं इसका ही सेकेंड पार्ट कर रहे हैं इसमें हमें क्या फाइंड करना है फोर्टीन <coughs> फोर्टीन दिया है वन इज गिवन फोर्टीन हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करना है तो इसमें कर दो सपोज हमने माना टू एम इक्वल टू फोर्टीन तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा सेवन टू का डिवाइड करेंगे तो एम इक्वल टू सेवन आ गया अब हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे एम स्क्वायेर माइनस वन वी हैव टू फाइंड आउट तो एम कितना दिया है सेवन का स्क्वायर और माइनस वन सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस वन इक्वल टू फोर्टी एट उसके बाद हम क्या फाइन करना है एम स्क्वायर प्लस वन तो सेवन का स्क्वायर प्लस वन फोर्टी नाइन और प्लस वन इक्वल टू फिफ्टी अब हमें ये देखना है क्या ये राइट है कि नहीं है यानी फिफ्टी का स्क्वायर इक्वल टू फोर्टी एट का स्क्वायर और प्लस सेवन का स्क्वायर ये आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा तो ये हमारा आंसर सही नहीं आएगा इसमें आंसर हमारा सही नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा कि इंट्रीगल वैल्यू नहीं आ रही इसकी इसकी इंट्रीगल वैल्यू ये नहीं आ रही तो कैसे फाइंड करेंगे कैसे फाइंड करेंगे इंट्रीगल वैल्यू तो देख लो ये ये आपका अब आप बड़ी आ गई है आपका यानी लार्जर साइड का स्क्वायर फिफ्टी का स्क्वायर इक्वल टू स्मॉलर का स्क्वायर फोर्टी एट का स्क्वायर और प्लस टू एम का स्क्वायर यानी फोर्टीन का स्क्वायर ये लेफ्ट हैंड साइड यदि स्क्वायर करने पर और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी दे आर फोर पाइथागोरस ट्रिपलेट ट्रिपलेट फोर्टीन फोर्टी एट एंड फिफ्टी ये आंसर है इसका अब हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला करेंगे हम थर्ड वाले में सिक्सटीन इज गिवन तो इसमें हमें क्या दिया है थर्ड क्या दिया है सिक्सटीन इज गिवन तो सिक्सटीन में हम क्या करेंगे सिक्सटीन को क्या करेंगे हम इसको मान लेंगे टू एम इक्वल टू सिक्सटीन तो एम इक्वल टू एट आ जाएगा अब हमें क्या करना है एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन निकालना है तो इसमें क्या होगा एम स्क्वायर प्लस वन एम गिवन एट एट का स्क्वायर और प्लस वन ऐट का स्क्वायर सिक्सटी फोर प्लस वन इक्वल टू सिक्सटी फाइव अब हमें निकालना है एम स्क्वायर माइनस वन एट का स्क्वायर माइनस वन तो सिक्सटी फोर माइनस वन इक्वल टू सिक्सटी थ्री अब हमें ये पता लगाना है क्या ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं या नहीं है हमें ये पता लगाना है कि ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं या नहीं है हाँ यस है क्यों है क्यों है ये सिक्सटी फोर का स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटी थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन का स्क्वायर ये आपका स्क्वायर करने पर साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा ठीक तो दे आर फोर पाइथागोरस ट्रिपलेट इज ट्रिपलेट इज सिक्सटीन सिक्सटी थ्री एंड सिक्सटी फाइव ठीक है सिमिलरली और क्वेश्चन हम इसके कर लेंगे कि पाइथागोरस टेबलेट का लास्ट बचा है वो भी हम इस क्वेश्चन को कर लेना अब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं कुड बी व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट वंस डिजिट कि बंस डिजिट की क्या पॉसिबल होगा बंस डिजिट क्या पॉसिबल होगा ये हमें फाइंड करना है है ना ऑफ द स्क्वायर रूट का पॉसिबल बंस डिजिट क्या होगा जैसे फर्स्ट वन है नाइन एट जीरो वन इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालें इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालें तो बंस डिजिट क्या होगा तो बी नो दैट नाइन इंटू नाइन इक्वल टू एटी वन वन इंटू वन इक्वल टू वन तो ये आपका यूनिट डिजिट है ये आपका वंश डिजिट है ये आपका क्या है वंश डिजिट है तो वंश डिजिट या तो नाइन हो सकता है या वन हो सकता है जब यूनिट डिजिट यानी नाइन नाइन या एट्टी वन एट्टी वन का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसके लास्ट में क्या है वंस डिजिट में क्या है वन है तो वन का जब लास्ट डिजिट वन होगा जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नाइन ना आएगा यहां भी वन है यूनिट डिजिट वन है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वन आएगा तो क्या लिखेंगे पॉसिबल यूनिट डिजिट आइदर नाइन और वन वेन वी फाइंड आउट द स्क्वेर रूट ऑफ नाइन एट जीरो वन जब हम स्क्वायेर रूट निकालेंगे नाइन एट जीरो वन का तो क्या होगा स्क्वायर रूट का जो यूनिट प्लेस होगा वो या तो नाइन होगा या वन होगा ऐसे ही हम इसका कर रहे हैं सेकंड का क्या है आपका नाइन नाइन एट फाइव सिक्स अब हम क्या करेंगे इसमें सिक्स इंटू सिक्स कितना होता है थर्टी सिक्स होता है फ़ोर इंटू फोर इक्वल टू सिक्सटीन यहाँ यूनिट प्लेस सिक्स है जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं यूनिट प्लेस सिक्स है जब स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आइदर सिक्स आएगा या फोर आएगा स्क्वायर का क्या आएगा स्क्वायर रूट का क्या आएगा सिक्स या फोर आएगा थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सिक्स आएगा सिक्सटीन का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो फोर आएगा तो यूनिट प्लेस या तो सिक्स होगा या फोर होगा तो यहां लिखेंगे यूनिट प्लेस आइदर फोर और सिक्स वेन वी फाइंड आउट द स्क्वायर फ नाइन नाइन ऐट फाइव सेवेन ठीक है सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं इसका थर्ड पार्ट करते हैं ये आपका दिया है थर्ड पार्ट करते हैं नाइन नाइन ऐट जीरो जीरो वन और फिर अभी हमने बताया था वन कब होगा नाइन नाइन या एट्टी वन जब एट्टी वन का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आएगा नाइन आएगा ऐसे ही वन इंटू वन इक्वल टू वन जब हम वन का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा वन आएगा तो क्या होगा लिखेंगे यहाँ यूनिट प्लेस आइदर आइदर नाइन और वन when वी वेन वी फाइंड आउट द स्क्वेर रूट ऑफ नाइन नाइन एट जीरो जीरो वन तो ये हमने सिक्स पॉइंट वन सिक्स पॉइंट टू और सिक्स पॉइंट थ्री की एक्सरसाइज कराई बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट हम वीडियो में कराएंगे ठीक है